हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्चुरेशन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मैंने रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी की एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर पूरी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके भी चेक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो पार्चुरेशन में हम इसके फोर टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन में है डेफिनेशन, सेकंड इज पीरियड, थर्ड वन इज मैकेनिज्म, जिसके अंडर तीन मैकेनिज्म आएंगे, दैट इज डायलेशन, एक्सपल्सन एंड प्लेसेंटल। डायलेशन को हम फर्स्ट स्टेज बोलते हैं, एक्सपल्शन को हम सेकंड स्टेज बोलते हैं और प्लेसेंटल को हम थर्ड स्टेज बोलते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके कंट्रोल ऑफ पार्चुरेशन, दैट इज ऑफ टू टाइप, हार्मोनल फैक्टर्स एंड मैकेनिकल फैक्टर्स। सो हम वन बाय वन करके इन चारों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है इसकी डेफिनेशन। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग ऑफ फुली फॉर्म्ड यंग वन फ्रॉम द मदर्स यूट्रस एट द एंड ऑफ गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, तो गेस्टेशन पीरियड के एंड में क्या होता है, मदर के यूट्रस से एक फुली फॉर्म्ड यंग वन एक्सपेल आउट होता है और ये जो होल प्रोसेस होता है इसी को हम पार्चुरेशन बोलते हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड के एंड में मदर के यूट्रस से एक फुली फॉर्म्ड यंग वन जो है वो एक्सपेल होता है, आउट होता है। तो इसके सारे प्रोसेस जो इसका जो भी सारा प्रोसेस होता है इसी को हम पार्चुरेशन बोलते हैं। अब गेस्टेशन पीरियड को हम प्रेगनेंसी पीरियड भी बोलते हैं और ये वो पीरियड होता है जो फर्टिलाइजेशन से लेकर पार्चुरेशन तक होता है। इसके बाद है इसका पीरियड, दैट वेरीज फ्रॉम 6 to 20 hours। ये 6 to 20 hours में वेरी करता है और वुमेन जनरली एक्सपीरियंस लॉन्गर पीरियड ऑफ लेबर पेन इन देयर फर्स्ट डिलीवरी देन द सक्सीडिंग वंस। तो क्या होता है कि वुमेन जनरली क्या एक्सपीरियंस करती हैं, ये लेबर पेन को ज़्यादा टाइम तक एक्सपीरियंस करती हैं इन देयर फर्स्ट डिलीवरी में। मैकेनिज्म की बात करें तो अबाउट 2 weeks बिफोर बर्थ फीटस नॉर्मली सेटल्स हेड डाउनवर्ड इनटू द पेल्विक कैविटी एंड द फीटस इज अबाउट 53 centimeters लॉन्ग, 2.7 to 4.5 kilograms इन वेट एंड स्किन इज ब्लूइश पिंक। सो बर्थ के फीटस का जो बर्थ होता है उससे 2 weeks ago, 2 weeks पहले क्या होता है, बिफोर 2 weeks फीटस नॉर्मली अपना हेड जो है वो डाउनवर्ड की तरफ सेटल करना स्टार्ट कर देता है इनटू द पेल्विक कैविटी। ठीक है, अबाउट 2 weeks बिफोर बर्थ क्या होता है कि फीटस अपना हेड जो है वो डाउनवर्ड की तरफ सेट करना स्टार्ट कर देता है और कहाँ पे, पेल्विक कैविटी में। अब फीटस कैसा होता है, ये 53 centimeters लॉन्ग होगा और वेट की बात करें तो 2.7 से लेकर 4.5 के अराउंड इसका वेट होगा। अब स्किन जो होती है इसकी ब्लूइश पिंक होती है, बिकॉज पिगमेंट इज फॉर्म्ड ओनली आफ्टर एक्सपोजर टू सनलाइट। ब्लूइश पिंक इसलिए होती है क्योंकि ये सनलाइट के एक्सपोजर में तब नहीं आया होता है, जब ये सनलाइट के कॉन्टेक्ट में आएगा तो ये तो इसमें क्या होगा कि पिगमेंटेशन फॉर्म्ड होगी। इसके बाद है इसके 3 phases जिसमें क्या है, डायलेशन, एक्सपल्सन, प्लेसेंटल स्टेज। ठीक है, तो क्या होता है, ठीक है, तो इसके 3 phases को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट है डायलेशन, जिसको हम फर्स्ट स्टेज भी बोलते हैं। व्हेन फीटस इज फुली फॉर्म्ड, एडिनो हाइपोफिसिस सिक्रेट ACTH एंड दैट स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड्स ऑफ फीटस विच सिक्रेट कॉर्टिकोस्टेरॉइड हॉर्मोन्स थ्रू प्लेसेंटा, इट पासिस इन टू द मैटरनल ब्लड। तो क्या होता है कि जब फीटस फुली फॉर्म्ड हो जाता है, ठीक है, फुली फॉर्म्ड हो जाता है तो एडिनो हाइपोफिसिस ACTH को सिक्रेट कर देते हैं और ये ACTH क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड्स, जो फीटस में एड्रिनल ग्लैंड्स होगा उसको स्टिमुलेट कर देंगे। क्या होता है कि जब फीटस जो है वो फुली फॉर्म्ड होता है तो एडिनो हाइपोफिसिस ACTH को सिक्रेट करते हैं और ACTH जो फीटस में एड्रिनल ग्लैंड होगा उसको स्टिमुलेट करेगा और ये एड्रिनल ग्लैंड क्या करेगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स को सिक्रेट करेगा। अब ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन प्लेसेंटा के थ्रू मैटरनल ब्लड से पास होंगे। व्हेन एक्युमुलेटेड इन सफिशिएंट अमाउंट, जब सफिशिएंट अमाउंट में एक्युमुलेट हो जाएंगे तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन की जो सिक्रेशन होगी वो डिक्रीज हो जाएगी।
और क्या होगा कि प्रोस्ट ग्लैंडिंस की जो सिक्रेशन होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, प्रोजेस्टिरोन की डिक्रीज होगी, प्रोस्ट ग्लैंडिंस की इंक्रीज होगी। अब जब प्रोजेस्टिरोन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो ये क्या स्टिमुलेट करेगा, सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम न्यूरोहाइपोफिसिस ऑफ मदर, मदर के न्यूरोहाइपोफिसिस से ये ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा। अब ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, इट स्टिमुलेट यूट्राइन मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, ये यूट्राइन मसल को की कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करेगा, वाइल प्रोस्ट ग्लैंडिंस इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जबकि प्रोस्ट ग्लैंडिन क्या करेगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में फोर्स को इंक्रीज करेगा। फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ मायोमीट्रियम ऑफ यूटेराइन वॉल नोन एज लेबर, अब जो फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होगी स्मूथ मसल्स की, मायोमीट्रियम के स्मूथ मसल्स की यूटेराइन वॉल में, तो उसी को हम लेबर बोल देंगे, लेबर पेन या फिर लेबर बोलेंगे। ठीक है, देखो क्या होता है कि जब फीटस जो है वो फुली फॉर्म्ड होता है तो एडिनो हाइपोफिसिस ACTH को सिक्रेट करता है, ये ACTH एड्रीनल ग्लैंड्स को स्टिमुलेशन करेगा और ये एड्रीनल ग्लैंड जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन सिक्रेट करेगा। अब जब कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन सिक्रेट होगा तो ये प्लेसेंटा के थ्रू मैटरनल ब्लड से पास हो जाएगा, जब ये सफिशिएंट अमाउंट में अकोमुलेट होगा तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा और प्रोस्ट ग्लैंडिंस की सिक्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होगा तो क्या होगा, ये ऑक्सीटोसिन सिक्रेट होगा मदर के न्यूरोहाइपोफिसिस से। अब ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, यूट्राइन मसल की कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करेगा और प्रोस्ट ग्लैंडिंस जो फोर्स लगेगी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में उसको इंक्रीज करेगा। अब जो फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होगी मायोमीट्रियम के स्मूथ मसल्स में, यूट्राइन वॉल के मायोमीट्रियम के स्मूथ मसल्स में, तो उसी को हम लेबर बोलेंगे। अब प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, एक तो वो ऑक्सीटोसिन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है और क्या करता है, रिलैक्सिन हार्मोन की सिक्रेशन को भी स्टिमुलेट करता है। अब रिलैक्सिन हार्मोन्स कहाँ हेल्प करता है, लूजन्स द प्यूबिक सिम्फेसिस, प्यूबिक सिम्फेसिस के लूजन्स में भी हेल्प करता है, बिटवीन द टू पेल्विक गर्डल एंड वाइडन द सर्विक्स ऑफ यूट्रस, दो पेल्विक गर्डल के बीच में हेल्प करता है एंड यूट्रस के सर्विक्स को भी वाइड करता है, उसमें भी हेल्प करता है वाइडन में। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट स्टेज। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट करके भी बता सकते हैं। इसके बाद है एक्सपल्शन स्टेज। एक्सपल्शन स्टेज को हम सेकंड स्टेज भी बोलते हैं। इट लास्ट इज फॉर अबाउट 20 मिनट टू 1 आवर्स, ये 20 मिनट से लेकर 1 घंटे तक हो सकती है। एमनियोन एंड कोरियोन रप्चर्स रिलीज एमनियोटिक फ्लूड दैट ल्यूब्रिकेट द विजाइना। अब क्या होता है कि जो एमनियोन और कोरियोन होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं, टूट जाते हैं और वो क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूड को रिलीज करते हैं। अब ये एमनियोटिक फ्लूड क्या करेगा, विजाइना को ल्यूब्रिकेट करेगा एंड लेबर प्रोग्रेसेस एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बिकम मोर पावरफुल। अब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो होगी वो ज़्यादा होगी एंड अपीयर एज ऑफन एज वंस एवरी 1 to 3 मिनट्स, और हर 1 से 3 मिनट तक ये होगी। जब पेन होगी तो क्या सिग्नल्स देंगे वो, इनिशिएट द न्यूरोजेनिक रिफ्लेक्सेस विच स्टिमुलेट द इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स। अब पेन सिग्नल दे इनिशिएट करेगी कि न्यूरोजेनिक रिफ्लेक्सेस हो रही है विच जो क्या स्टिमुलेट कर रही है, इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स। ठीक है, तो ये है आपका एक्सपल्शन स्टेज। क्या होता है, इसमें एमनियोन और कोरियोन रप्चर होते हैं जो कि एमनियोटिक फ्लूड को रिलीज करते हैं और ये एमनियोटिक फ्लूड वेजाइना को ल्यूब्रिकेट करते हैं, लेबर प्रोग्रेसेस होती है और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी ज़्यादा होती है, 1 to 3 मिनट्स में ये होती रहती है। ठीक है, तो पेन होती है इसमें और ये सिग्नल देता है न्यूरोजेनिक रिफ्लेक्सेस का जो क्या स्टिमुलेट करता है, एब्डोमिनल मसल्स में इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। उसके बाद है प्लेसेंटल स्टेट, That is the third stage and it lasts for about 10 to 45 minutes. ये क्या होती है, after birth of the baby, baby के birth के बाद ये 10 to 45 minutes तक होती है ये। ठीक है, last is for about 10 to 45 minutes after birth of the baby. Uterus exerts shearing effect. अब uterus क्या करता है, एक shearing effect exert करता है
यूट्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स टू अ स्मॉल साइज एंड प्लेसेंटा सेपरेट्स फ्रॉम द इम्प्लांटेशन साइट। अब यूट्रेस क्या करता है, एक शेयरिंग इफेक्ट एग्जर्ट करता है और यूट्रेस स्मॉल साइज में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, स्मॉल साइज हो जाता है उसका। एंड प्लेसेंटा क्या होता है, इम्प्लांटेशन साइट से वो सेपरेट हो जाता है। दिस ओपन्स द प्लेसेंटल साइनेसिस, ये प्लेसेंटल साइनेसिस को ओपन करता है और ब्लीडिंग कोज करता है। ठीक है, कितनी होती है, अबाउट 350 ml ऑफ ब्लड, मतलब लगभग वो 350 ml तक होगी ब्लीडिंग। फर्दर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस कॉन्स्ट्रिक्ट्स द ब्लड वेसल्स। अब फर्दर उसके बाद फिर से क्या होगी, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन होगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा यूट्रस और ब्लड वेसल्स को वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा टू स्टॉप द ब्लीडिंग, ताकि ब्लीडिंग जो है स्टॉप हो जाए। क्या होता है कि यूट्रस एक शेयरिंग इफेक्ट एग्जर्ट करता है और यूट्रस स्मॉल साइज में हो जाता है और प्लेसेंटा जो है वो इम्प्लांटेशन साइट से सेपरेट हो जाता है, जो क्या ओपन करता है प्लेसेंटल साइनेसिस को और ब्लीडिंग कॉज करता है। उसके बाद फिर से कॉन्ट्रैक्शन होगी और यूट्रस जो होगा वो कॉन्स्ट्रिक्ट होगा और कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा ब्लड वेसल्स को ताकि ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाए। तो ये थे आपके 3 स्टेज, डायलेशन, एक्सपल्शन एंड प्लेसेंटल स्टेज। तो एक बार फिर से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जो डाइलेशन स्टेज में क्या होता है। देखिए कि जब फीटस जो है वो फुली फॉर्म्ड होता है तो जो एडिनो हाइपोफिसिस है वो ACTH को सिक्रेट करेगा। अब ये ACTH जो है वो फीटस के एड्रिनल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेगा और ये एड्रिनल ग्लैंड्स जो होंगे वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स को सिक्रेट करेंगे। अब ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स जो हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू मैटरनल ब्लड से पास होंगे। जब ये सफिशियंट अमाउंट में एकोमुलेट हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, तो क्या होगा कि प्रोजेस्टेरोन की जो सिक्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी और जो प्रोस्टाग्लैंडिंस की सिक्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब जब प्रोजेस्टेरोन की सिक्रेशन डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, और प्रोस्टाग्लैंडिंस की सिक्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तब क्या होगा। तो जब प्रोजेस्टेरोन की सिक्रेशन डिक्रीज हो जाएगी तब क्या होगा कि ये मदर के न्यूरो हाइपोफिसिस से ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर देगा प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, अब ये ऑक्सीटोसिन क्या होगा कि ये किस में हेल्प करेगा, यूट्राइन मसल की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा। और प्रोस्टाग्लैंडिंस क्या करेगा कि जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगी तो उसमें फोर्स करने के फोर्स को उसमें जो है वो इंक्रीज करेगा। अब जब फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होगी यूट्राइन वॉल के मायोमीट्रियम के स्मूथ मसल्स में तो उसको हम बोलेंगे लेबर। ठीक है, और दूसरी बात की एक तो प्रोजेस्टेरोन ने ऑक्सीटोसिन की सिक्रेशन को स्टिमुलेट कर दिया और सेकंड वन उसने क्या किया, रिलैक्सिन हार्मोन की सिक्रेशन को भी स्टिमुलेट कर दिया। अब जब रिलैक्सिन हार्मोन की सिक्रेशन को स्टिमुलेट किया तब क्या होगा कि ये प्यूबिक सिम्फिसिस को क्या करेगा, ये लूजन करेगा, जो प्यूबिक में जो मूवमेंट होगी उसको वो ये लूज करेगा बिटवीन द टू पेल्विक गर्डल और कहाँ क्या करेगा, ये यूट्रस के सर्विक्स के वाइडन में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये थी आपकी डाइलेशन स्टेज। अब एक्सपल्शन स्टेज और प्लेसेंटल स्टेज की बात करें तो क्या होगा कि जो एक्सपल्शन स्टेज है उसमें एमनियन और कोरियन रप्चर हो जाएंगे और एमनियोटिक फ्लूड को रिलीज करेंगे जो वेजाइना को ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करेंगे। अब जब लेवर प्रोग्रेसिस में होगी, लेवर ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी और हर 1 से 3 मिनट में वो फील की जाएगी। ठीक है, अब जब पेन होगी तो वो क्या सिग्नल करेगी, वो इनिशिएट करेगी न्यूरोजेनिक रिफ्लेक्सेस को, जो क्या स्टिमुलेट करेगा एब्डोमिनल मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन होगी वो स्टिमुलेशन कर देगा। ठीक है, स्टिमुलेट करेगा, जो कि एब्डोमिनल मसल्स में इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन होगी उसको स्टिमुलेट करेगा। इसके बाद है प्लेसेंटल स्टेज, दैट इज द लास्ट स्टेज और थर्ड स्टेज। अब इसमें क्या होगा, ये कब होती है ये स्टेज, आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी, बेबी बर्थ के बाद में होती है ये। यूट्रस क्या करेगा, एक शेयरिंग इफेक्ट को एग्जर्ट करेगा और वो स्मॉल साइज में आ जाएगा। ठीक है, और प्लेसेंटा जो होगा वो इम्प्लांटेशन साइट से सेपरेट हो जाएगा, जो क्या ओपन करेगा प्लेसेंटल साइनेसिस को और वो ब्लीडिंग कोज करेगी अबाउट 350 ml ऑफ ब्लड। अब फर्दर कॉन्ट्रैक्शन होगी तो क्या होगा कि यूट्रस कॉन्स्ट्रिक्ट होगा और ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा और ब्लीडिंग को स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो ये थे आपके 3 स्टेज, दैट इज डायलेशन, एक्सपल्शन एंड प्लेसेंटल। इसके बाद है कंट्रोल ऑफ पार्चुरेशन। सो कंट्रोल ऑफ पार्चुरेशन में इसके 2 फैक्टर आएंगे, दैट इज हार्मोनल फैक्टर एंड मैकेनिकल फैक्टर। अब हार्मोनल फैक्टर की बात करें तो क्या होता है, फ्रॉम द 7th month इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन रेशियो ड्यू टू इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन्स व्हाइल प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब 7th month से बात करें तो क्या होगा कि
एस्ट्रोजन से प्रोजेस्टेरोन की रेशियो जो होगी वो इंक्रीज होगी। अब क्यों होगी? क्योंकि एस्ट्रोजन की सिक्रेशन जो थी वो इंक्रीज हो गई थी, और क्या होगा जबकि प्रोजेस्टेरोन की सिक्रेशन जो होगी वो कॉन्स्टेंट रहेगी। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की रेशियो जो है वो इंक्रीज करेगी, और क्या होगा क्यों करेगी, क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन की सिक्रेशन जो थी वो इंक्रीज हो गई थी और प्रोजेस्टेरोन की सिक्रेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगी। न्यूरो हाइपोफिसिस से क्या होगा, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन विच प्रोमोट्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। न्यूरो हाइपोफिसिस क्या करेगा कि ऑक्सीटोसिन की सिक्रेशन को इंक्रीज करेगा, और जो क्या प्रोमोट करेगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा। सिक्रेशन ऑफ कोर्टिसोल फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड्स ऑफ फीटस। फीटस के एड्रिनल ग्लैंड से जब कोर्टिसोल की सिक्रेशन होगी एंड प्रोस्टग्लैंडिंस फ्रॉम फीटल मेम्ब्रेन इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो ये मैंने जो था आपको एक्सपल्शन स्टेज में भी समझाया था, सॉरी डायलेशन स्टेज में भी आपको ये समझाया था। तो अब इसके बाद है कॉर्पस अल्बिकॉन्स सिक्रेट रिलैक्सिन हॉर्मोन्स वाइडन्स द पेल्विस फॉर इजी बर्थ ऑफ यंगबर्न। तो कॉर्पस अल्बिकॉन्स क्या सिक्रेट करेगा, रिलैक्सिन हॉर्मोन्स को, और यंगबर्न के जब बर्थ होगा तो उसमें पेल्विस को वाइड करने में भी ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये थे इसके हॉर्मोनल फैक्टर्स। इसके बाद है इसके मैकेनिकल फैक्टर्स। क्या होता है मैकेनिकल फैक्टर्स में, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीजेस ड्यू टू मैकेनिकल स्ट्रेच ऑन द स्मूथ मसल ऑफ यूट्रस। यूट्रस के स्मूथ मसल्स में क्या होगा कि मैकेनिकल स्ट्रेच की वजह से यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगी एंड स्ट्रेचिंग ऑफ और इरिटेशन ऑफ सर्विक्स। और क्या होगा कि इरिटेशन और स्ट्रेचिंग होगी सर्विक्स में। यूट्रस के स्मूथ मसल में मैकेनिकल स्ट्रेच की वजह से क्या होगा, यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगी और सर्विक्स की स्ट्रेचिंग में भी ये हेल्प करेगा। तो ये थे आपके डेफिनेशन, पीरियड्स, मैकेनिज्म एंड दैट इज कंट्रोल ऑफ पार्चुरेशन। तो इसके बाद हम बात करेंगे ट्विंस एंड मल्टीपल बर्थ्स। तो ये टू टाइप्स के आएंगे, दैट इज मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक को हम यूनिओव्यूलर या आइडेंटिकल ट्विंस भी बोलते हैं, और डाइजाइगोटिक को हम बाईओव्यूलर एंड फ्रेटर्नल ट्विंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोजाइगोटिक। जाइगोट डिवाइड इंटू टू कम्प्लीट हाफ्स। इसमें क्या होगा कि जो जाइगोट होगा वो दो कम्प्लीटली हाफ्स में एक बराबर, मतलब वो डिवाइड हो जाएगा एंड क्या करेगा, वो टू सेम सेक्सेस को फॉर्म करेगा, या तो वो टू मेल्स हो सकते हैं या फिर वो टू फीमेल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे मोनोजाइगोटिक। मोनो मीन्स सेम, जाइगोट क्या होगा, वो सेम सेक्सेस बनाएगा। और डाइजाइगोटिक मतलब दो जाइगोट होंगे इसमें भी। डिस्चार्ज ऑफ टू ओवा एट अ टाइम, एक ही टाइम पे इसमें टू ओवा डिस्चार्ज होंगे एंड फर्टिलाइज्ड बाय सेपरेट स्पर्म। और ये दोनों ही ओवा को कौन फर्टिलाइज करेगा, स्पर्म फर्टिलाइज करेंगे, और ये स्पर्म्स जो होंगे वो भी सेपरेट होंगे। मे बी आइदर और सेम और ऑपोजिट सेक्सेस, ये भी सेम सेक्सेस के हो सकते हैं या फिर ऑपोजिट सेक्सेस के। बट मोनोजाइगोटिक जो हैं वो या तो फिर टू मेल्स होंगे या टू फीमेल्स होंगे, बट जो डाइजाइगोटिक हैं वो या तो टू मेल्स भी हो सकते हैं, टू फीमेल्स भी हो सकते हैं, वन मेल भी हो सकते हैं या फिर वन फीमेल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था डिफरेंस आपका मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक में। अगर आपको फिर भी मेरी वीडियो से कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को इजिली कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्पॉटिंग, थैंक यू सो मच।